हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश गुप्ता। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द रेस्पायरेशन। आज हम आपको श्वसन के बारे पर बताएंगे। श्वसन क्या होता है? देखिए बच्चों, बहुत कंफ्यूजन रहा करती है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में। ठीक, श्वसन की अंग्रेजी रेस्पायरेशन है, श्वासोच्छ्वास की अंग्रेजी ब्रीदिंग है। मतलब श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेना है। श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेना, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक, हिंदी में सांस लेना कहते हैं या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया, हम लोग सांस लेते हैं, ये ब्रीदिंग कहलाया करता है। वहीं श्वसन क्या है? इसको ब्रीदिंग नहीं कहते। श्वसन क्या है? वास्तव में श्वसन क्या है? भोज्य पदार्थों का जलना। पीछे आपने देखा है कि जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमारी कोशिकाओं में संचित हो जाता है, जाकर के ग्लूकोज के रूप में वहां पर इकट्ठा हो जाता है। अब वहां से हमको ऊर्जा लेनी है, तो उस ग्लूकोज से ऊर्जा लेने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑक्सीजन को हम जब श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, तो वह ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर कोशिकाओं में जाकर के भोज्य पदार्थों को जलाती है। इसे ही हम श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा श्वसन क्या है, इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। भोज्य पदार्थों का जारण, ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाया करता है, या ऑक्सीकरण भी इसको कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलाई जाएगी। भोज्य पदार्थों का जारण या ऑक्सीकरण, ये कोशिकीय श्वसन या श्वसन कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। वही सांस लेना क्या है? सांस लेना क्या है? सांस लेना को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं बच्चों। ठीक, सांस लेना को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? इसमें सांस ली जाती है, आप सांस में ऑक्सीजन गैस ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाएगी। ठीक, तो श्वासोच्छ्वास एक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह जो श्वसन है यह एक जैविक प्रक्रिया है, जीव के शरीर के अंदर हो रही है। ठीक, तो ये आप अच्छे से जान लेना, भोज्य पदार्थों का जारण ऑक्सीकरण या श्वसन कहलाता है। ऑक्सीकरण जारण या ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। अब बच्चों, श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो ये ऑक्सी श्वसन कहलाया करता है। लेकिन कुछ जीवधारी ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं पा पाते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के ही भोज्य पदार्थों को जला लेते हैं। थोड़ी धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन उनका भी भोजन जल जाता है, उसे हम अनाक्सी श्वसन कहेंगे। फिर सुन लीजिए, इफ O2 इज प्रेजेंट इन रेस्पायरेशन, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन, एंड इफ O2 इज अब्सेंट इन रेस्पायरेशन, दिस इज एनएरोबिक रेस्पायरेशन। मतलब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो वो ऑक्सी श्वसन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थित है तो अनाक्सी श्वसन कहलाएगा। दोनों में अंतर आया करता है, तो इसको जरूर याद रखना। और क्या है? ऑक्सी श्वसन में O2 की आवश्यकता, इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इसमें इसमें जो ऊर्जा निकलेगी बच्चों, वो ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इस पर जो ऊर्जा निकलेगी वो ज्यादा ऊर्जा निकलती है, ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इस पर जो ऊर्जा निकलेगी वो कम ऊर्जा निकलती है, याद रखना, ये अंतर पूछ लिया जाता है। इसमें जो ऊर्जा निकलेगी वो कम निकलेगी। अच्छा, जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा ज्यादा निकल रही है, मतलब भोज्य पदार्थ का पूरा पूरा जारण हो जाएगा। यहां पर भोज्य पदार्थ का पूर्ण जारण होता है, पूर्ण जारण, और यहां पर अपूर्ण जारण होता है, अपूर्ण जारण होता है। तो ये याद रखना, अंतर भी पूछ लिया जाता है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में। तीन अंतर हमने बताया, एक तो O2 की आवश्यकता होगी ऑक्सी श्वसन में, अनाक्सी श्वसन में O2 की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, ऊर्जा ज्यादा निकलेगी ऑक्सी श्वसन में, अनाक्सी श्वसन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा निकलेगी। ठीक, और क्या है? पूर्ण जारण होगा ऑक्सी श्वसन में, तभी तो ज्यादा ऊर्जा निकल रही है, अनाक्सी श्वसन में अपूर्ण जारण होता है। तो ये बेसिक अंतर है, इसको याद रखना। अब देखिए, जब ये श्वसन की प्रक्रिया होगी तो किसका जारण होता है? पता है आपको, ग्लूकोज का जारण होता है, भोज्य पदार्थ का, मतलब ग्लूकोज का जारण होता है।
वह ग्लूकोज कैसे टूटता है, उसको एनसीईआरटी ने लिखा है कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो देखिए ग्लूकोज है, अब इसको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के अनुपस्थित में हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो देखिए ग्लूकोज जब एक कोशिका द्रव्य में, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जब इसका जारण होता है तो एक पाइरूवेट में बदल जाया करता है। ठीक, दो घटनाएं होंगी श्वसन में, एक को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और एक को क्रेब्स चक्र कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। ठीक बच्चों, तो क्या हुआ, ग्लूकोज जो है ये कोशिका द्रव्य में क्या है, कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदल जाया करता है। ठीक, इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अगर पूछा जाए कि ये कौन सी प्रक्रिया, यहां से यहां तक की प्रक्रिया ये ग्लाइकोलिसिस कहलाया करती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। अब अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होगा तो आगे की प्रक्रिया फिर क्रेब्स चक्र में होती है। ओके, तो ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाएगा कोशिका द्रव्य में। पॉइंट याद रखना, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। फिर क्या होता है, यह पाइरूवेट निर्भर करता है इसको ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थित में भी हो सकता है आगे प्रक्रिया, यहां पर भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो फिर वो क्रेब्स चक्र चालू कर देता है और वो प्रक्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ईस्ट में कैसे होता है, ईस्ट में क्या होगा, यही ग्लूकोज जो पाइरूवेट में बदला है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त करता है। इसी प्रकार से हमारी पेशियों में भी ऑक्सीजन वहां अनुपस्थित, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में पेशियों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निकलती है। इसी ग्लूकोज से ही पूरी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन वहीं अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई तो फिर वो प्रक्रिया कहां पर होगी, वो प्रक्रिया फिर माइटोकांड्रिया पर होती है और इस घटना को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो दो पॉइंट याद रखना, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहां होंगी, माइटोकांड्रिया में। ठीक, और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां होगी, कोशिका द्रव्य में। इस प्रकार से ये हो जाता है। अब जो ये ऊर्जा निकली हुई है ये एटीपी के रूप में संचित हो जाती है जाके। ठीक, एटीपी पर भी टिप्पणी आती है बच्चों, क्या है एटीपी, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह ऊर्जा मुद्रा है, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं इसको, इसे ऊर्जा का दलाल भी कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा ये क्या होती है, ये जो ऊर्जा निकली है यहां से, यह एडीपी और ये क्या है, पी, पी का मतलब अकार्बनिक फास्फेट, मतलब एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट आपस में मिल करके ये जो ऊर्जा निकली हुई है इसको ले करके क्या बना देते हैं, एटीपी बना लिया करते। कोई पूछे एटीपी कैसे बनता है, तो एडीपी में जब एक अकार्बनिक फास्फेट जुड़ जाता है और श्वसन के दौरान जो ऊर्जा है वह ऊर्जा प्रयुक्त हो जाती है और क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। क्लियर, अब एटीपी क्या करेगा, टूटेगा, इसका विखंडन होगा तो हमको ऊर्जा मिलेगी, और जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, इतनी ऊर्जा मिल जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग कहां पर होता है, कोशिका के क्रियाकलाप में प्रयुक्त होती है ऊर्जा, कोशिकाओं के अंदर विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया और तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्रक्रिया कोशिका के अंदर हो रही है उन सब में ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा कहां से मिलती है हमको, एटीपी से मिलती है, ये मानिए कि ऊर्जा का एक पावर बैंक है, यही से ऊर्जा मिलती रहती है। अच्छा, अब एटीपी का उपयोग कहां पर है, तो प्रोटीन संश्लेषण में एटीपी की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पेशियों की सिकुड़ने में ऊर्जा का उपयोग करते हैं और तंत्रिका आवेग के संचरण में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ओके, अब क्या है, अब जीवों को दो भागों पर यहां पर फिर बांटा गया है, स्थलीय जीव और जलीय जीव, इनमें श्वसन कैसे होता है, तो वायुमंडल से ये ऑक्सीजन लेते हैं स्थलीय जीव जो होते हैं, वही जो जलीय जीव वो जल में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक, जो स्थलीय जीव है और वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, लेकिन जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसीलिए तो जो श्वसन की दर है, मतलब सांस लेने की जो दर है, वो श्वास दर अधिक होती है जलीय जीवों में। आप देखो मछली कितनी जल्दी सांस लेती है, स्थलीय जीवों में जो श्वसन दर होती है वो सामान्य होती है। स्थलीय जीवों में विभिन्न अंगों के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है, लेकिन वही जलीय जीवों में गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं,
मछली मुंह के द्वारा लेगी जल को और फिर गिल्स में भेजती है, गिल्स से ऑक्सीजन फिर ब्लड में भेज दिया जाता है और ब्लड के माध्यम से फिर वो कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये श्वसन के बारे पर पूरा वर्णन था। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो मानव श्वसन की होगी, ह्यूमन रेस्पायरेशन की, मानव में श्वसन कैसे होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।